हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट की एक ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मेंस और वुमेन्स दोनों को ही होती है। और ये प्रॉब्लम ना बेहद खराब दिखती है, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन तो ये हो ही रहती है। हर दूसरे दिन ब्लैक एंड आ जाते हैं और बहुत ही बुरे दिखते हैं आपकी स्किन पर। अब हर रोज तो अपनी स्किन पर हम स्क्रब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा स्क्रब करने से भी आपकी स्किन जो है वो खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। स्क्रब वैसे भी हमें वीक में सिर्फ दो ही बार यूज करना चाहिए, ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में हमें कौन सा ऑप्शन ट्राई करना चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ब्लैकहेड व्हाइटहेड रिमूवल। ये टूल यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ और ये नीचे गिर गया है। क्या कोई बात नहीं, तो इसकी पैकेजिंग मैं आपको चलिए पास से दिखा देती हूँ। और ये है डर्मा सक्शन, सक द यक आउट ऑफ योर पोर्स। जी हाँ, यहाँ पर ऐसी चीजें मेंशन की गई है। चलिए इसकी पैकेजिंग पास से देख लेते हैं। चलिए इसकी पैकेजिंग में आपको दिखा देती हूँ। तो ये इस तरीके से कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आपको मिल जाता है। सभी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। चलिए मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। और इसके अंदर आपको एक ये पेपर मिल जाता है और कैसे आपने इसे यूज़ करना है, सभी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो यूज़ करने से पहले इसे एक बार अच्छे से रीड ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं इसका जो कार्डबोर्ड है, इस पर भी सभी चीज़ें मेंशन की गई हैं। यहाँ पर ये देखिए, सभी चीज़ें लिखी गई हैं, कैसे अपने से यूज़ करना है, स्टेप बाय स्टेप सभी नोजल्स को कैसे लगाना है, कौन सी शेप में आपको ये नोजल्स दिए गए हैं। तो ये सभी चीज़ें मेंशन की गई हैं। ओपन करने के बाद ही कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आपको मिल जाता है। क्वालिटी की मैं अगर बात करूँ तो क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी दिख रही है इसकी। और बाकी तो मैं इस्तेमाल कर देखूंगी कि किस तरीके की ये मतलब सभी चीज़ें इसमें दी गई हैं। ये देखिए, इसके अंदर अभी बैटरी जाएगी, बैटरी इसके अंदर नहीं है, तो सेल वगैरह इसके अंदर आ जाएंगे तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये सभी नोजल्स दिए गए हैं, कैसे आपने नोजल्स को लगाना है। 4 नोजल्स इसमें टोटल दी गई हैं, अलग अलग शेप में। एक इसके अंदर लगी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और बाकी की ये 3 नोजल अलग से दी गई हैं। तो यानी टोटल इसमें 4 नोजल्स दी गई हैं अलग अलग शेप में। तो ओपन करने के बाद ही कुछ इस तरीके की शेप में आपको मिल जाता है वाइट कलर की। और प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी है। और इसकी लिंक वैसे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर ये अलग अलग शायद प्राइस में है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना, आपको जहां भी ये अफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाए वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। मैंने इसे फ्लिपकार्ट से परचेज किया है और इसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो ओपन करने के बाद आप देख सकते हो पैकेजिंग इसकी अच्छी लगी है मुझे, और प्लास्टिक की क्वालिटी भी अच्छी है इतने प्राइस में, ठीक है। और इस तरीके से ये निकल जाती है जैसा कि आप देख सकते हो। और इसके अंदर बैटरी जाएगी इस तरीके से, ये देखिए, इसके अंदर ये बैटरी जाती है और अच्छे से ये लॉक हो जाता है इस तरीके से। और इसमें ये बटन दिया गया है, इसकी हेल्प से आप इसे स्टार्ट कर सकते हो, स्पीड बढ़ा सकते हैं, स्पीड मीडियम भी कर सकते हो और हाई भी कर सकते हो। आई होप आपको आवाज आ रही हो। जी हाँ, इस तरीके से ये ऑन ऑफ हो जाता है और स्पीड आप इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। और इसमें आपको अलग अलग 4 नोजल दिए गए हैं। अब आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि कौन सी नोजल का क्या काम है और किस तरीके से ये वर्क करता है। मुझे भी अभी काफ़ी दिनों से ना ब्लैकहेड और व्हाइटहेड्स की जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हर दूसरे तीसरे दिन स्क्रब करना पॉसिबल नहीं होता है कि आप हर रोज स्क्रब करें और फिर इसे निकालें। और मैंने इसकी रिव्यू चेक किए थे, इसकी रिव्यू रेटिंग्स अच्छे लगे मुझे, तभी मैंने इसे परचेज किया है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इसको यूज़ करते टाइम, मतलब यूज़ करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप इसे यूज़ करें, अपने ब्लैकहेड व्हाइटहेड्स को रिमूव करते हैं, तो आपकी स्किन एकदम क्लीन होनी चाहिए। आप कोई भी ज्वेलरी वगैरह जैसे कि नोज पिन वगैरह कुछ भी मत पहने, क्योंकि जैसे इस पर मेंशन किया गया है सख्त यक, तो ये मतलब पुल कर सकता है आपकी ज्वेलरी को और खींच सकता है आपकी ज्वेलरी को, आपको हार्म भी कर सकता है अगर आपने ज्वेलरी पहनी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ज्वेलरी वगैरह कुछ भी बियर मत कीजिएगा इसे यूज़ करते टाइम। और आपकी स्किन एकदम क्लीन होनी चाहिए। आप इसे यूज़ करने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए। और इसे यूज़ करने के बाद आपकी स्किन पर थोड़ी सी रेडनेस आ सकती है, जो कि 10 से 15 मिनट में चली जाएगी अपने आप ही, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और सेंसिटिव स्किन वाले मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगी कि सेंसिटिव स्किन वाले इसे यूज़ करें, बट अगर आप यूज़ करके देखना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं सेंसिटिव स्किन वालों के लिए इसे रिकमेंड नहीं करूंगी। रीज़न यही है क्योंकि ये थोड़ी सी रेडनेस देता है, और सेंसिटिव स्किन वाले शायद हो सकता है उनके फेस पर और ज़्यादा रेडनेस आ जाए, तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ। तो सेंसिटिव स्किन वाले इसे यूज़ ना करें।
जब आप इसे यूज करें तो आपकी स्किन पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा होना चाहिए। आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद आपने क्या करना है, गर्म टावल ले लीजिए, मतलब गर्म पानी में टावल को डिप कर लीजिए, अच्छे से स्क्वीज कर लीजिए और इस तरीके से उसे, जैसे कि मैं भी आपको यहां पर कर दिखाऊंगी, तो वैसे आपने क्लीन कर लेना है अपने नोज एरिया को और चिन एरिया को अच्छे से, जहां पर भी आपने इसे यूज करना है। उसके बाद आपके जो ब्लैकहेड और व्हाइटहेड्स है ना, वो इजिली रिमूव हो जाएंगे, मतलब अच्छे से वो इसे क्लीन कर देगा और बहुत जल्दी क्लीन हो जाते हैं जब आप गर्म पानी से इसे क्लीन करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसे यूज करने के बाद आपने इसे अच्छे से गर्म पानी में क्लीन कर लेना है, ताकि कोई भी इसमें बैक्टीरिया वगैरह या इन्फेक्शन होने का डर ना रहे। आप इसे अच्छे से गर्म पानी में साफ कर कपड़े से सुखा कर फिर उसके बाद वापस आप इसे रख दीजिए और गीला मत रखे। पानी में वॉश आपने नहीं करना है, सिर्फ कॉटन की हेल्प से भी आप इसे क्लीन कर सकते हैं। तो ये कुछ जरूरी बातें थी जो कि आपने इसे यूज करते टाइम ध्यान में रखनी है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस मशीन को, इस टूल को बच्चों के हाथ में मत दीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बच्चों के हाथ में मत दीजिएगा, बच्चों की पहुंच से इसे दूर रखिएगा। तो चलिए मैं इसे यूज कर दिखाती हूँ। इसकी मैं अगर नोजल की बात करूँ ना, तो आपको नोजल जो है अपने अकॉर्डिंगली देखना है कि मतलब आपने कितने एरिया में इसे यूज करना है। मतलब डेड स्किन अगर आपने रिमूव करनी है तो आपको शायद बड़ी नोजल लगानी होगी, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और नोज एरिया पर यहाँ पर यूज करने के लिए इसमें छोटी नोजल दी गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। नोज एरिया के लिए मैं ये वाली नोजल यूज करने वाली हूँ। आई होप कि आप देख पा रहे हो, ये देखिए, ये देखिए। तो ये नोज एरिया के लिए बहुत ही सही रहेगी यूज करने में। तो चलिए मैं फटाफट से इसे यूज करके दिखाती हूँ। और इसकी स्पीड मैंने पहले मीडियम रखी है, उसके बाद मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगी। और आपने इसे एक जगह पर ज़्यादा देर तक नहीं लगाना है, मतलब ज़्यादा देर तक एक जगह यूज़ ना करें इसे, नहीं तो आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा रेड हो सकती है। और अगर आपको कट वगैरह लग रहा है स्किन पर तो आप वहाँ भी इसे यूज़ ना करें और ज्वेलरी वगैरह को ना पहनें। और साथ ही एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको कि जब भी आप इसे यूज़ करते हैं तो इसे यूज़ करने से पहले स्क्रब मत करें फेस पर, और इसे यूज़ करने के बाद भी स्क्रब वगैरह फेस पर ना लगाएं, क्योंकि इससे आपकी स्किन जो है वो इरिटेट हो सकती है। और कट वगैरह जहाँ पर लगा हो वहाँ पर भी इसे यूज़ ना करें, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। मैंने सबसे पहले गर्म पानी में टावल को डिप कर अपने नोज़ पर रखा था, अपने नोज़ को क्लीन कर लिया था। उसके बाद ये आसानी से ब्लैक हेड जो है वो निकल गए हैं, या फिर आप स्टीम भी ले सकते हैं, और स्टीम लेने से भी जल्दी जो है आपके ब्लैकहेड और व्हाइटहेड्स रिमूव हो जाएंगे। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ ना, तो मेरा एक्सपीरियंस इस टूल के साथ अच्छा ही रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो बड़ी नोजल है ना, आपको डिपेंड करता है कहाँ पर यूज़ करनी है, फेस के किस हिस्से पर आपको यूज़ करनी है, तो ये आपने अपने अकॉर्डिंगली ही यूज़ करनी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ इसके साथ ही, मुझे इसमें ये जो दो नोजल है ना, ये स्मॉल साइज़ की, ये ज़्यादा बेनिफिशियल लगी है ब्लैकहेड व्हाइटहेड्स और एक्ने वगैरह को रिमूव करने के लिए। ये ज़्यादा मतलब मुझे सही लगी है, और क्योंकि इसकी हेल्प से ना आसानी से ब्लैकहेड व्हाइटहेड्स रिमूव हो जाते हैं। हालांकि इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा खास नज़र नहीं आ रहा होगा, मुझे भी नहीं आ रहा था, बहुत ही स्मॉल से पार्टिकल नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसने वर्क बहुत अच्छे से किया है। और जो भी मेरे नोज़ एरिया है यहाँ पर, मुझे लग रहा है इसने काफ़ी हद तक रिमूव कर दिए हैं, और स्किन बहुत ही ज़्यादा ना सॉफ्ट और स्मूथ हो गई है नोज़ एरिया की और चिन एरिया की। और ये आपको हल्की सी रेडनेस भी देता है, जैसा कि आपने देखा था मैं जब इसे यहाँ पर यूज़ कर रही थी बड़ी नोज़ल को, तो मेरे फेस पर हल्की सी रेडनेस आ गई थी। वो रेडनेस बहुत जल्दी ही चली जाएगी, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रेडनेस बहुत ज़्यादा देर तक आपके फेस पर नहीं रहेगी। और मुझे ये दो नोज़ल जो है काफ़ी हेल्पफुल लगी है, और जब आप ये अपना फेस अच्छे से क्लीन कर ले इस नोज़ल की हेल्प से, ब्लैकहेड व्हाइटहेड्स को रिमूव कर ले, तो अपने फेस पर कोई भी अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम ज़रूर लगा लीजिएगा, और ताकि आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाए, स्मूथ हो जाए। और बड़ी दो ये जो नोजल है आप फेस के इस एरिया पर यूज कर सकते हैं, और नोज के इस एरिया के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए फिर मैं चलती हूँ, और आप भी अगर एक बार ट्राई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसे ट्राई कर देख सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। यदि आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, MX कटक पर भी। और दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर देना। मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड करती हूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप इस बेल बटन को हिट करेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।